Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our third lecture on laws of motion. Okay, और आज से हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन अच्छे ठीक. हाँ तो स्टार्ट करते हैं, बस क्वेश्चन ही करने हैं अपने को अभी. ठीक है, आज से क्वेश्चन स्टार्ट है. अच्छे चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अरेंजमेंट बना रहा हूँ आपके लिए. पहला एक आसान क्वेश्चन, एक सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg. ओके और एक फोर्स लग रहा है, ठीक, और फोर्स का जो वैल्यू है वो 20 N है. ठीक, फोर्स इज ऑफ 20 N. ठीक है, ओके और कुछ नहीं है यहाँ पे. आपको बताना है फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड. एक स्टेप और बढ़ा दिया है और उसके बाद से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इसके, विदाउट फ्रिक्शन. अभी स्टार्ट होंगे क्वेश्चन, जो भी होंगे सारे क्वेश्चन विदाउट फ्रिक्शन होंगे. ठीक है, हाँ जी, फ्रिक्शन में अपने हिसाब से ऐड करूँगा अगले लेक्चर में. आज हम टेंशन की बात कर लेंगे. आज हम कुछ क्वेश्चन टेंशन पे कर लेंगे. हाँ, अगला क्वेश्चन टेंशन, और पहले मैं इंक्लाइंड प्लेन की क्वेश्चन कराऊँगा आपको. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का सॉल्व करो, फाइंड द वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस आफ्टर 5 सेकेंड. ठीक है, हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना है. यदि आपने मेरा कल का लेक्चर देखा है तो 10 × g के इक्वल होगा 100 N के इक्वल होगा. एफ बी डी इसकी कैसी बनेगी, आप साफ दिख पा रहे होगी, एक वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और ये फोर्स इस तरफ लगता हुआ आ रहा है तो इधर. ठीक है, ये 20 N का. क्लियर. वाई एक्सिस में मोशन इन वाई एक्सिस को लेते हुए हम, ठीक है, मोशन इन वाई एक्सिस, ठीक है, उसको लेते हुए हम नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे 100 N. ओके, और मोशन इन एक्स एक्सिस देखेंगे तो मोशन इन एक्स एक्सिस विल सी द नेट फोर्स इन दैट, एज देर इज नो एक्स नो फोर्स अदर देन 20 N, दो 20 N विल बिकम द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक. ओके, सो एज फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, सो एम इंटू ए विल कम इक्वल टू 20. M is given as 10 into A, that is equal to 20. So A will come equal to 2 meter per second square in this question. Okay, so now these two things were asked to us. So let's get start with the first thing, that is the velocity. And how will we calculate the velocity? By applying the kinematics equation. Okay, and the first equation will give us to the value of velocity, and V will come equal to u, the initial velocity of the block, it would be 0. Okay, and the acceleration is given to us 2, and the time that is given in the question, that is 5 seconds. So the velocity after 5 seconds with the acceleration of 2 meter per second square, it will be 10 meter per second. Okay, that's how you get the velocity of this block after 5 seconds, and you have to find the displacement also. So just try to put these values in the kinematics equation number second. Okay, and s equal to ut plus half a t square. Now u is equal to 0, so that term will become equal to 0, and half a is given as 2, and the t is 5 square. 2 will cancel out, and the value of s will come equal to 5 square, that is 25 meter. Okay, don't forget to write the unit of the quantities. Okay, this is the necessary things. Okay, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आप यदि यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके आधे नंबर चले जाएंगे बेसिकली. और यदि मैं यदि कॉम्पिटिशन की बात करूँ तब भी मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ पे भी यूनिट पे नंबर कटे. हाँ, कभी कभी होता है यूनिट मतलब बहुत ज़्यादा फंडा हो जाती है. हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं कॉम्पिटिशन में भी कभी कभी क्या लेते हैं कि एक आंसर सही दे देते हैं लेकिन उसकी यूनिट गलत लिख देते हैं और लास्ट ऑप्शन दे देते हैं नन ऑफ दिस. अब बच्चा क्या करता है, जल्दी जल्दी में नंबर देखता है, यूनिट नहीं देखता,
नंबर देखता, नंबर उसका मैच कर जाता है, 25 आ रहा है, 25 आना चाहिए। ओके, वहाँ देखा नहीं उसने कि मीटर की जगह सेकंड लिखा है, वो क्लिक करके आगे बढ़ जाता है, समझे, जबकि वो क्वेश्चन गलत होता है, उसका आंसर गलत, उसका ऑप्शन डी था, नन ऑफ दीज, क्योंकि आपको निकालने की कॉल है डिस्प्लेसमेंट एंड देयर इज 25 seconds, द टाइम इज गिवन इन दैट ऑप्शंस। ओके, सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि क्या गिवन है, क्या दिएला है, हटा लूँ, हटा दिया, ठीक है, दीज वर द थिंग्स। ओके, सुनाओ, लेट्स डू 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 डू, लेट्स ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑन गोइंग टू बी एन इनक्लाइन प्लेन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, ऑन इनक्लाइन प्लेन, एज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द मोशन इन अ प्लेन, जहाँ पे हमने इनक्लाइन प्लेन का एक प्रोजेक्टाइल भी सॉल्व किया था, तो अपने लिए कोई बड़ी डील नहीं है ये। ओके, हाँ जी, कोई बड़ी डील नहीं है। ओके, देयर इज अ ब्लॉक, मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 kg, मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 kg। नाउ क्वेश्चन सुनना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके लिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करो, ओके, इस पे नेट फोर्स फाइंड करो, ठीक है, ओके, और क्या फाइंड करो इस पे, इसकी वेलोसिटी फाइंड करो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, इफ एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड्स द वेलोसिटी यू इज 0, फाइंड करो, किसी का आंसर आया नहीं, क्यों, कोई टिपिकलिटी तो नहीं है उसमें, जस्ट ड्रॉ द एफबीडी ऑफ इट, एफबीडी ड्रॉ करो ना इसका, नहीं होगा, आई डू, ओके, लेट मी डू दिस थिंग, ओके, नाउ लुक एट हियर, सॉरी ये इंक मेरे को रिएक्शन हो जाती कभी कभी इस इंक से, देखो मैंने क्या बताया था आपको, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर जो चीज़ पहले दिमाग में आए उसको ठोक दो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे अभी सोच रहे होंगे सर एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, ये ब्लॉक नीचे तो आएगा लेकिन आपने कोई फोर्स ही नहीं दिया, आपने तो कोई फोर्स ही नहीं दिया, किसकी वजह से नीचे आ रहा है, ये अपने फैक्टर ऑफ वेट की वजह से आ रहा है, कई बच्चे आंसर दे रहे होंगे सर कि इट इज़ कमिंग ड्यू टू इट्स वेट, बट इट इज़ नॉट कमिंग डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स वेट, इट इज़ कमिंग डाउनवर्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन ड्यू टू इट्स फैक्टर ऑफ वेट, वेट के एक फैक्टर की वजह से आ रहा है, बस एक फ्रैक्शन की वजह से आ रहा है, पूरे वेट की वजह से नहीं आ रहा, याद रखना, चलिए देखते हैं कैसे, नाउ लुक एट हियर, इफ आई से दिस इज द वेट एमजी, दिस इज द वेट, क्लियर, हम मैंने बोला ना एमजी को हम इस चैप्टर में बोलेंगे कि वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्चुअली इट नॉट वर्टिकली डाउनवर्ड, बट इन दिस लेक्चर, इन दिस चैप्टर और इन द नेक्स्ट चैप्टर एंड बस तब तक हम यूज़ करेंगे mg इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके, सुना, यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, इफ़ यू नो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, दैट देन इट विल बिकम 90 एंड दिस विल बिकम 60, ओके, इफ आई ड्रॉ बैक दिस नॉर्मल रिएक्शंस एक्सिस बैकवर्ड, ओके, इफ दिस इज 60 दिस विल बी 30 degree, एज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, ओके, इन जनरल केस हम इंक्लाइन प्लेन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन को क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में किया था सेम वही करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट है, हमने इसको क्या मान लिया, एक्स एक्सिस मान लिया और इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक, ऐसे घुमा दिया, तो वाई एक्सिस भी थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, चलिए इसको ऐसे घुमाया तो ये भी थोड़ी सी ऐसे जाएगी, शायद यहाँ जाए, देखते रहो,
इफ दिस इज 30, दिस 30 मतलब वाई एक्सिस और एम जी के बीच में, दिस विल बी थीटा। क्लियर है, ये सब चीज़ दिख रही है आपको? दिस थिंग ओके, इज इट क्लियर टू यू? नाउ जस्ट फैक्टर इट, एज एम जी इज द वेट एंड एम जी इज अ फोर्स, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट कैन बी फैक्टराइज्ड। दिस वुड बी एफ एम जी कॉस थीटा एंड दिस विल बी एम जी साइन थीटा। नाउ वी गेट हियर, आपको कॉमन सेंस बोलती है, आपके दिमाग का जो कॉमन सेंस वाला पार्ट है, दैट से कि ब्लॉक इज कमिंग डाउनवर्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन, मतलब वो इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, हाँ या ना? मैंने इसको ऐसे कर दिया है तो ये इस तरफ जाएगा, हाँ जी या नन जी? हाँ जी ही बात है, यहाँ ना जी तो हो ही नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल टू से ना जी सर, ओके हाँ। तो आप देख पा रहे हो कि ब्लॉक किसकी वजह से नीचे जा रहा है, एम जी की वजह से नहीं, ड्यू टू द फैक्टर ऑफ एम जी, एम जी साइन थीटा, इट इज़ कमिंग डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ओके क्लियर टू यू? ओके सो नाउ, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन भी बतानी थी यहाँ पे, ओके सो नाउ इट इज़ मतलब क्रिस्टल क्लियर बाय दिस एफ बी डी कि एन जी सॉरी एन एज यू नो ब्लॉक इस तरीके से तो मोशन नहीं करने वाला, करेगा क्या इस तरीके से मोशन? नो, मतलब इस तरीके से, सो देर विल बी एफ नेट जीरो इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में एफ नेट कितना रहेगा? जीरो, एन ऊपर की तरफ, एम जी कॉस 30 या कॉस थीटा इज डाउनवर्ड, सो इट विल गोइंग टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एम एंड दैट विल कम इक्वल टू जीरो, और एन शुड बी इक्वल टू एम जी cos theta, m is given to be 5g is 10 cos 30, so jindagi halki pitayenge hale din kaakar sunayenge, this will be the normal reaction force, okay so now let's just try to find the value of f net इन एक्स एक्सिस ऑल, देखो ये तो जेन्युइन सी बात है ना कि मोशन कौन से एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में, दिस इज नाउ एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस फोकस, दिस इज नेगेटिव वाई, दिस इज नेगेटिव एक्स, हाँ ठीक, ओके सो नाउ एज यू कैन सी दैट देयर इज ओनली फोर्स इन एन एक्सिस, सो दैट वुड बी योर एफ नेट एम जी साइन थीटा, m की वैल्यू 5, z की वैल्यू 10, sin theta दैट इज sin 30, दिस विल बी हाफ, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 25 न्यूटन, ओके मैं आपको साफ साफ बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन आपका जो आएगा वो a sin g sin theta आएगा, ओके लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा आपके लिए सिंपल ही रखता हूँ उन चीज़ों को, ओके सो एफ नेट आपने निकाल लिया 25 न्यूटन, सो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन एफ नेट कम्स इक्वल टू एम ए, एज देयर इज नो मास चेंज इन मास, यहाँ पे मास में चेंज नहीं हो रहा है, सो वी कैन से एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, सो विल पुट द वैल्यू, सो ए विल कम इक्वल टू 5 m/s, दिस विल बी द एक्सेलरेशन बाय विच द ब्लॉक इज कमिंग डाउनवर्ड, ओके जस्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी साइन थीटा, दैट विल ऑल अगेन कम्स इक्वल टू द 5 m/s, ओके एक्चुअली यदि आप इसको और इसको कंपेयर करो तो एम है ही है, ए की जगह जी साइन थीटा लगा, ओके सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि जी साइन थीटा विल बी द एक्सेलरेशन, ओके क्लियर, इज इट क्लियर टू यू? ओके नाउ, और यदि याद हो आपको, यदि याद हो तो ऐसा ही कुछ था प्रोजेक्टाइल में, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था बस और कुछ ही है ना, ओके हम एन निकाल चुके हैं, ए निकाल चुके हैं, एफ नेट निकाल चुके हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी आफ्टर 2 seconds ऑफ मोशन एज इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू अस एज 0, ओके सो जस्ट अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, वी इज इक्वल टू यू इज इक्वल 0, ए की वैल्यू 5, टी की वैल्यू 2, वी कम्स इक्वल टू 10 m/s, दिस वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 2 seconds, समझ में आया क्या? समझ में आया ओके चलिए इसको थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करूँ,
इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट करूँगा, डाटा चेंज करूँगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी रिमेन सेम बट द थिंग्स विल बी डिफरेंट। ओके टिंग 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 टिंग, दिस इज द 60 डिग्री एंगल। ओके मास इज 10 kg। ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ फॉर विच दो पार्ट कर दो इसके क्वेश्चन को ताकि अच्छा क्वेश्चन बन पाए। पहला पार्ट ये है ब्लॉक मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। ओके सेकंड इन डाउनवर्ड, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन डाउनवर्ड का, लेकिन फिर इन डाउनवर्ड। ओके ब्लॉक कम्स इन रेस्ट। ओके तीसरा ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड विद, जरा देखें तो जरा कितना आएगा, विद एक्सेलरेशन ऑफ √3 m/s². तीन पार्ट है क्वेश्चन के, तीनों आपको कुछ अलग सिखा के जाएंगे जिसमें से दो का आंसर सेम है और एक का आंसर डिफरेंट है। सोचना आपको है किसका आंसर सेम है किसका आंसर डिफरेंट है, करके देखो क्वेश्चन तभी पता चलेगा। इतने में बोर्ड साफ कर लो, उतने आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है वीडियो पॉज करनी होगी देन सॉल्व करना पड़ेगा। हो गया होगा आंसर। चलिए पहले की बात कर लेते हैं, तो देखो सब कहानियों की कहानी स्टार्ट होगी कहाँ से, एफबीडी से। ओके दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन, दिस विल बी आपका वेट 10 × 10 100 N। ओके दिस इज 60 डिग्री तो दिस आल्सो बी 60 डिग्री, दिस विल बी 100 cos 60। ओके एंड दिस विल बी 100 sin 60। ओके तो मैं आपकी एफबीडी यहाँ पे बना दूँ अच्छे से, नॉर्मल 100 sin 60, 100 cos 60 और यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हुआ है एफ का। क्लियर आसान है। अब नाउ आपको क्या करना है, ब्लॉक को डाउनवर्ड कराना है विद कांस्टेंट स्पीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट स्पीड सर? द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट स्पीड इज एक्सेलरेशन कम इक्वल टू जीरो। इज इट ट्रू दैट आई एम सेइंग एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जीरो? एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए तभी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। ओके इफ द एक्सेलरेशन कम्स इक्वल टू जीरो देन एफ नेट इक्वल टू एम इन टू ए, एफ नेट विल बिकम जीरो। ओके नाउ जस्ट ट्राई टू सी लुक एट द सेकेंड थिंग। सेकेंड क्या कह रहा है, ब्लॉक मूव्स ओके विद अ कांस्टेंट स्पीड, ये तो फर्स्ट है। ब्लॉक कम्स इन रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी कम्स इक्वल टू जीरो। If velocity is zero, then acceleration also zero. And if acceleration is zero, then force will be zero. Okay? In the first case and in the second case. Okay? और मैं इसमें एक third case भी बनाऊँ, इसका ही एक third case बना दूँ, लो देखो fourth case हो जाएगा basically. Block moves upward with कॉन्स्टेंट स्पीड।
सेम बात रहेगी, वहाँ पे भी वेलोसिटी सेम है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो सेम बात रहेगी। मतलब ये पहला, दूसरा और चौथा जो भी चीज़ों पार्ट हैं सब में एक चीज़ कॉमन है, क्या? एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को जो चल रही है उसको रोकना है तो जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स लगा दो, एफ नेट ज़ीरो कर दो। या फिर किसी भी रुकी हुई चीज़ को चलाना है, रुकी हुई चीज़ को जस्ट मूव कराना है, ये भी हम देखेंगे। अच्छा, इनके इसके बारे में बाद में बात करूँगा मैं। हाँ, तो अभी पहले इसके बारे में देख लेते हैं, इन तीनों के बारे में, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ के बारे में। ओके, जादू है ये। ऊपर भी चलाना है तो एफ नेट ज़ीरो करना होगा, जस्ट चलाना है तो, नीचे भी चलाना है तो ज़ीरो करना होगा, और रोकना है तब भी ज़ीरो करना पड़ेगा। ये अजीब सी केसेस है, है ना? हाँ जी, तो एफ नेट ज़ीरो करना है। इज़ इट क्लियर टू यू? कौन से एक्सिस में? ऑब्वियसली बात है, एक्स एक्सिस में करना होगा। एफ नेट शुड बी ज़ीरो। एफ नेट कितना आ रहा होगा यहाँ पे? एफ माइनस 100 साइन थीटा, दिस इज शुड बी ज़ीरो। सो दिस विल बी फिफ्टी रूट थ्री मीटर पर सेकेंड, ओ सॉरी फोर्थ है ना, तो न्यूटन। दिस शुड बी द फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ केस। इतना ही फोर्स होना चाहिए, तीनों आंसर यही है, और सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम रहेगी तीनों के लिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होने वाली। ये जादू है, जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा, बस आगे नहीं। शाहरुख खान को हाँ या ना बोल और निकल आगे। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट। ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ रूट थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, डाउनवर्ड जाना चाहिए वो, डाउनवर्ड कहाँ जाना चाहिए? डाउनवर्ड। ओके, विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ रूट थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यदि फोर्स की बात करूँ एफ नेट, तो वो दिया हुआ है, एम की वैल्यू 10, ए की वैल्यू रूट थ्री, तो दिस विल बी रूट थ्री न्यूटन, शुड बी द एफ नेट फॉर द थर्ड केस। हाँ या ना? ओके, एफ नेट कितना है? एफ माइनस 100 साइन 60, या साइन 60, 100 साइन 60 माइनस एफ। मोशन किस तरफ हो रहा है? डाउनवर्ड, मतलब ये फोर्स बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ या ना? जल्दी बोल। हाँ या ना? ये फोर्स शुड बी ग्रेटर देन एफ, देन द एक्सेलरेशन विल गो डाउनवर्ड, एंड दिस शुड बी कम इक्वल टू 10 रूट 3। ओके, एफ को उधर भेज दूँ, 10 रूट 3 को इधर भेज दूँ, तो दिस विल कम इक्वल टू साइन 60, दिस विल कम इक्वल टू 550 रूट 3। अभी तो आया था ये, यहाँ पे एफ उधर, 10 रूट 3 इधर। कितना आ गया? 40 रूट 3 न्यूटन। क्लियर है? समझ में आया? आसान था? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? लेट मी टेल यू दीज क्वेश्चंस वर टू इजी, बहुत आसान थे। इनके बारे में कुछ डिस्कशन करने की, ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। चलिए अब आगे स्टेप बढ़े, ख़त्म कहानी, हटा दूँ। चलिए ओके, आगे बात कर लेते हैं अब टेंशन की, स्ट्रिंग। किसकी? स्ट्रिंग की, ठीक है। चलो स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट क्या है? देखो क्वेश्चन बहुत टाइप के हैं, बहुत सारे टाइप के हैं, ठीक है। हम कई सारे टाइप के क्वेश्चन अभी करेंगे आगे भी, ठीक है। हम फ्रिक्शन में कई सारे टाइप के, नए नए टाइप के ले लेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है? स्ट्रिंग में ले लेंगे, अभी हमारे पास स्प्रिंग है उसमें ले लेंगे, हमारे पास सर्कुलर मोशन है उसमें ले लेंगे, और उसके बाद हम एक बोर्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे उसमें कुछ ले लेंगे, और देन वी कैन टेक इन जेई मेंस
के क्वेश्चंस में ले लेंगे, नीट के क्वेश्चंस में ले लेंगे, बहुत सारे टाइप है, बहुत टाइप है। ओके अब देखते हैं हम स्ट्रिंग को। ओके अब स्ट्रिंग का फंडा समझ लो। सबसे पहले एक बहुत आसान क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन से ही समझना है सब कुछ। स्ट्रिंग एंड पुली सिस्टम हम यूज़ करेंगे। ओके यहाँ पे कोई पुली है, ठीक है, ओके और ये ओके एक मास M1 टांग दिया, एक मास M2 टांग दिया। ओके एक मास M1 टांग दिया, एक मास M2 टांग दिया और इनिशियली बोथ आर इन रेस्ट। और जैसे ही हमने इनको फ्री करा तो यदि इफ़ M1 इज़ ग्रेटर देन M2, यहाँ पे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, ठीक है एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, आपको दिख रहा होगा। इफ़ M1 इज़ हैवियर देन M1 विल गो डाउन एंड M2 विल गो अप। ये समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग से बंधी है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये रस्सी है, रस्सी से बंधी हुई है। ओके जो हमारे हमारे सिलेबस में मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड वाइज यदि बात कर लूँ तो हमारे पास मासलेस स्ट्रिंग्स है। कौन सी स्ट्रिंग है? मासलेस स्ट्रिंग। ओके और यदि मास है भी तो वो जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस में आएगा, नीट तक में नहीं आएगा। दूसरी जो क्वेश्चन की जो चीज़ है वो जेई में भी अप्लाई होगी, वो वहाँ पे भी मतलब हटेगा नहीं वहाँ से। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। एक स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन होगी, दो टेंशन नहीं होगी, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा आपके लिए। मतलब टेंशन कभी भी अलग अलग नहीं होगी यदि स्ट्रिंग एक ही है तो। स्ट्रिंग डिफर टेंशन डिफर, मे बी सेम हो सकती है लेकिन हम अलग ही अलग बनेंगे। ओके टी विल बी इनवर्ड फॉर स्ट्रिंग। ओके यदि मैं इसको दूसरे वर्ड्स में करूं तो टी विल बी अवे फ्रॉम द ब्लॉक और फोर्स, मतलब हमेशा फोर्स से या ब्लॉक है उससे दूर लगेगी। देखो ब्लॉक है तो वेट लगा रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, नीचे की तरफ M1G। ओके तो इससे हमेशा दूर लगेगी ऐसे, और इससे भी दूर लगेगी, हमेशा दूर लगेगी। क्योंकि देखो टेंशन क्या है ना, इट इज़ अ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। पहला रेजिस्टिव फोर्स पढ़ रहे हो आप लोग, इट इज़ अ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ओके ये हमेशा इंटरनल होगा और रेजिस्टिव फोर्स होगा और ओनली कम्स ड्यू टू टेंसाइल फोर्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं जल्दी से, कोई टीचर इनको पॉइंट्स वाइज में आपको कोई नहीं बताने वाला। पहली चीज़ मैंने क्या बताई आपको कि जो टेंशन है, यहाँ से देखो टेंशन जो है हमेशा इनवर्ड लगेगी, मतलब अंदर की तरफ लगेगी रस्सी में, अंदर की तरफ। ओके ये रस्सी है, यदि इसको मैं मार्कर को रस्सी बांध दूँ, ओके तो यदि मैंने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया तो इसमें जो टेंशन होगी वो अंदर की तरफ आगे, दोनों एंड से अंदर की तरफ। ओके जिसको मैंने दूसरी तरफ से बोला क्या कि ब्लॉक या फोर्स से दूर, अप अवे अवे फ्रॉम द ब्लॉक। ये ब्लॉक है इधर लग रहा है, एक ब्लॉक इधर है, ये है। ओके तो इन दोनों से दूर, मतलब इससे किस तरफ दूर जा सकती है, ये इस तरफ है तो इस तरफ, और ये इस तरफ है तो इसके भी इस तरफ। ओके तो टेंशन हमेशा इस तरह लगेगी,
दूसरा इट इज़ अ इंटरनल फोर्स, ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है किसी भी स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग में पैदा होता है ओके, और इट इज ओनली कम्स ड्यू टू द टेंसाइल फोर्स. व्हाट इज टेंसाइल? टेंसाइल का मतलब खींचना, खींच के लंबा करना. यदि हम किसी चीज़ को खींच के लंबा कर रहे हैं तो वी आर अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स, वी आर अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स. यदि कोई चीज़ फिक्स है उसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ तब भी टेंसाइल फोर्स है, और दोनों तरफ से खींच रहा हूँ तब भी टेंसाइल फोर्स है. तो इन दैट सिचुएशन, ओनली इन दैट सिचुएशन द टेंशन विल कम इन टू द पिक्चर. कभी भी ऐसे यदि किसी चीज़ को दाबोगे, ऐसे किसी चीज़ को दाबोगे तो टेंशन आएगी लेकिन स्ट्रिंग में नहीं आएगी. वो स्ट्रिंग की टेंशन नहीं होगी ओके. स्ट्रिंग हम उसको बोलेंगे जिसमें पहली बात तो मास लेस हो ओके. और हमारी जो स्ट्रिंग होती है उसमें जो ये आप देख पा रहे हो ना स्ट्रेंथ, वो नहीं होती ठीक है. उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, वो सांप की तरह लिपट उपट कैसे भी सकती है, इसलिए उसमें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्रेशन से टेंशन नहीं बनती है, टेंशन बनती है उससे भी ओके. सो नाउ हमारे पास रस्सी है तो हम रस्सी की बात करेंगे. अब देखो यहाँ से हम टेंशन कैसे फाइंड करें, हाउ वी फाइंड द टेंशन. सो उसके लिए हमें ये मिटाने पड़ेंगे. उतार लो, चलो करना कुछ नहीं, जो भी पहले करते आए थे एबीटी उसी पे बात है सारी चीज ओके ओके. चलिए अब या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, जो मैं डेरिवेशन सॉल्व कर रहा हूँ उसको, जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला अप्लाई करो, और वो फॉर्मूला हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होने वाला बिल्कुल. मैं पहले बता दूँ मेरे सारे क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएंगे ओके. चलिए स्टार्ट करें कहानी. चलिए सबसे पहले इसकी एबीटी बनाए, M1G नीचे, टेंशन ऊपर. इज देयर एनी फोर्स, इज देयर एनी फोर्स ऑन दिस ब्लॉक? नो नो सर, बट इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड. द मोशन ऑफ दिस बॉडी, दिस ब्लॉक इज इन डाउनवर्ड. सो ऑब्वियसली बात है कि M1G शुड बी ग्रेटर देन टेंशन. हैं भाई मोशन किस तरफ होता है? हमेशा बड़े फोर्स की तरफ. मोशन इज इन द ग्रेटर फोर्स, इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स. ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन में हमेशा कौन होता है? फोर्स होता है ओके, नेट फोर्स होता है ओके ओके. तो M1G डाउनवर्ड है, मोशन भी नीचे की तरफ हो रहा है, दैट मीन्स M1G इज ग्रेटर देन टेंशन, एंड द इक्वेशन शुड बी एफिनेटली शुड बी इक्वल टू M1G इंटू माइनस टी ओके. सो नेट फोर्स ड्यू फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन दैट शुड बी इक्वल टू M1A इक्वल टू M1G माइनस टेंशन. दिस शुड बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट ओके. नाउ प्ले द सेकेंड एक्टिविटी ओके. इट इज गोइंग अपवर्ड, लुक एट हियर, द डाउनवर्ड फोर्स इज M2G एंड द अपवर्ड फोर्स इज टेंशन. द मोशन इज इन टेंशन अपवर्ड, मोशन इन अपवर्ड. तो एफिनेट शुड बी इक्वल टू टेंशन माइनस M2G. यहाँ पे हमारे को इस चीज़ की ध्यान रखनी है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमेशा बड़े में से छोटा ही घटाना है यहाँ पे ओके ओके. सो नाउ M2A, दिस विल बी कम्स फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ओके. सो M2A कम्स इक्वल टू T माइनस M2G, दिस वुड बी द सेकेंड इक्वेशन. सो दैट हाउ यू विल मेक द इक्वेशंस. नाउ एड द इक्वेशन EQ1 प्लस EQ2. हाउ यू एड द इक्वेशन? जस्ट राइट इट डाउन वन बाय वन ओके. M1A इक्वल टू M1G माइनस T एंड M2A इक्वल टू T माइनस M2G. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एड देम. जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो उनके साइन चेंज नहीं होते. सो नाउ T एंड T विल गेट कैंसल्ड, एड दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज M1G एंड दिस इज M2G लाइक दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी एड M1A प्लस M2A. एज द एक्सेलरेशन इज सेम ओके, सॉरी एज द टेंशन इज सेम एंड स्ट्रिंग इज सेम, एक्सेलरेशन विल ऑल्सो गोइंग टू बी सेम ओके. सो नाउ लेट्स गेट कॉमन A. सो A इंटू M1 प्लस M2, फ्रॉम हियर कॉमन द G M1 माइनस M2 ओके. सो नाउ फ्रॉम हियर
you can find the value of A, and that will come equal to G M1 minus M2 upon M1 plus M2. Okay, this is the way how do you solve these types of question. But ये कोई ऐसा type नहीं है कि जो बहुत हमेशा use होने वाला type, नहीं, ठीक है. तो मैं हमेशा बात करता हूँ किस पे, मैं अपने students को हमेशा बोलता हूँ कि भैया फंडे याद रखो, फंडे कहाँ से निकाला, ठीक है, नहीं तो खाओगे अंडे, मिलेंगे अंडे, ठीक है, घर पे आओगे मम्मी मारेंगे डंडे, ठीक है. तो सबसे बढ़िया बात क्या है, याद करो फंडे. सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए इन एनी इक्वेशन ऑफ वन और टू, किसी में भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट द सेम वैल्यू फ्रॉम ईच इक्वेशन. सो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन. सो ए वुड कम इक्वल टू M1 G M1 minus M2 upon M1 plus M2, that will be equal to M1 G minus T. Now, clear? Is it clear? Okay, T को उधर रख दो, इनको इधर ले आओ, and LCM ले लो. T को इधर ले गया, LCM ले लिया, M1 plus M2. इधर क्या है? M1 है ना, हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ, M2 क्यों दिख रहा है, M1 जी, ओके, M1 माइनस M2, M1 माइनस M2, ओके, और इधर क्या आएगा, M1 जी, ये माइनस का होना चाहिए था, M1 जी इंटू M1 प्लस M2, ये आ जाएगा, ओके. एलसीएम एलसीएम ले लोगे तो, थोड़ा सा जल्दी कर दिया मैंने, स्टेप थोड़ा सा खा लिया, यहाँ पे एक स्टेप और बन सकता था. M1G दोनों तरफ से कॉमन है, तो लेट्स गेट कॉमन इट, M1 माइनस M2 प्लस M1 प्लस M2, M2 विल कैंसिल आउट, M1 और 2M1 आ जाएगा यहाँ पे, ओके, एज यू कैन सी इजीली. सो 2M1 स्क्वायर, कुछ मैंने गलती तो नहीं कर दी, मैं देख लूँ जरा एक बारी, ओके, नहीं गलती तो नहीं कुछ की है भाई, M1 माइनस M2, ओके, ए की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, इसको उधर ठा के ले गई, इधर टी लिया है, M1G कॉमन, M1 माइनस M2, हाँ देखो गलती कर दी मैंने, नेगेटिव साइन को कंसीडर में नहीं लिया यहाँ पे, ये नेगेटिव जो साइन था ना, इसको कंसीडरेशन में नहीं लिया, तो ये M1 नेगेटिव होगा और M2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है, नेगेटिव साइन की जब मल्टीप्लिकेशन अंदर होगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ओके ओके. सो नाउ वही तो M1 प्लस M2 का स्क्वायर आ रहा था, तो मेरे को सही नहीं लग रहा था. सो द टेंशन विल कम इक्वल टू M1, इधर से क्या हो जाएगा, M1 कैंसिल, M2 आ जाएगा और 2M2 आएगा, 2M2, दिस विल बी द टेंशन, दिस विल बी द टेंशन, ओके. क्या ये डायमेंशनली सही है, kg square अपॉन kg बचा और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डायमेंशनली हमारा जो फॉर्मूला है सही है, पहले जो आ रहा था वो भी सही आ रहा था, लेकिन वो गलत फॉर्मूला था, डायमेंशनली सही था वैसे गलत था, ओके. सो दैट्स हाउ यू डू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके, उतार दो इसको, एक काइंड ऑफ डेरिवेशन है आपके सिलेबस का, जनरली वे में हम यूज़ करते हैं इसको. तो यहाँ पे आप एक चीज़ सीखे हो कि या तो आप इस डेरिवेशन को याद कर सकते, सॉरी इन फॉर्मूले को याद कर सकते हो, टी इक्वल टू 2M1 जी M1 M2 जी अपॉन M1 प्लस M2 और ए इक्वल टू जी M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, या फिर फंडा याद करो, क्योंकि यदि चेंज हो गया फंडा तो क्या करोगे फिर, जैसे कि चलिए आपके लिए कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग सी फीलिंग, ना ठीक है जी, 2 kg, ओके,
10 न्यूटन। चलिए बताइए जरा, इन दैट केस द टेंशन इन द स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यार एक भी मार्कर मेरा सीधा खड़ा नहीं हो रहा। टेंशन इन द स्ट्रिंग, सॉल्व द क्वेश्चन। सेकेंड भर का क्वेश्चन नहीं है, सेकेंड भर का। हाँ जी, सेकेंड भर का क्वेश्चन नहीं है। नहीं निकला, नहीं निकला। चलिए अब हम बताएंगे, मेरा बोर्ड साफ हो जाए। देखो एबीडी टू एबीडी, यार एबीडी सबका रामबाण है। आई टोल्ड यू टेंशन किस तरफ लगेगी, अवे फ्रॉम द ब्लॉक। इसके लिए इस तरफ, इसके लिए इस तरफ। कहीं बच्चे बोल रहे होंगे सर दोनों तरफ टेंशन लगेगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, तो दोनों तरफ टेंशन लगेगी। टेंशन विल बी लाइक कि छाता खोल दो अपने से। छाता खोल दिया, छाता खोल दिया, बारिश से बचो। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे जो एफ नेट होगा वो कितना आएगा? कितना सिंपल है यार, 10 माइनस टी। 10 माइनस टी, मास कितना है? 2a इक्वल टू 10 माइनस टी। ओके, सो नाउ फॉर दिस, इसके लिए देखो यार, इस पर तो एक ही फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसका वेट भी नीचे लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी है, वो भी ले लेना। उसका कोई काम नहीं है इसलिए मैंने निकाली है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एम जी नीचे, बहुत मचा। एफ नेट कितना आ जाएगा यहाँ पे? टी मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट विल कम इक्वल टू टी। पुट द वैल्यू हियर। ओके, सो टी की जगह क्या रखना है? 3a। 2a इक्वल टू 10 माइनस 3। 3a उधर, 5a इक्वल टू 10। a कम इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान, a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू हियर, यू गेट द वैल्यू ऑफ टी, 3 इंटू 2, दैट विल कम इक्वल टू 6 न्यूटन। ओ तेरे की, सर अभी तक तो हमें टेंशन की यूनिट भी नहीं देखी थी ध्यान से। बिल्कुल सही बात है, टेंशन इज अ फोर्स, टेंशन इज अ रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन ही होगी। कितनी होगी? न्यूटन होगी। ये आपको याद रखना है, यदि ये वैल्यू चीज़ें याद नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़ होगी भाई। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, घर के लिए दे रहा हूँ, जिसको आप घर के लिए करेंगे। आसान क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मैं कभी भी वीडियो में सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, जिन क्वेश्चनों को मैं दे रहा हूँ। बेसिकली मैं बता दूँ आपको, इन क्वेश्चनों को मैं कभी घर के लिए नहीं दूंगा, तो सॉरी सॉल्व नहीं करके दूंगा। हाँ, यदि कोई बच्चा मेरे से बोलने लगे कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तो दो, तो मेरे को व्हाट्सअप करना, इंस्टा करना, कैसे भी जोड़ना, मेरे से फेसबुक पे जोड़ना, मैं सॉल्व करके ज़रूर दे दूँगा। लेकिन कोई सोचो कि नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया हुआ होगा सर ने, सो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट इट। ओके, दिस इज़ 5 kg, दिस इज़ 10 kg, एंड यू विल सी कि 5 kg की वजह से 10 kg इधर मूव करेगा, मूव करेगा, डेफिनेटली करेगा। फाइंड द टेंशन टी एंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द टी एंड द एक्सेलरेशन फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, सो अपन लोग आज की कहानी यहीं बंद करेंगे। जी हाँ, आज की कहानी यहीं बंद हो जाएगी, और कल को हम टेंशन के साथ इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली इतने सारे टाइप के क्वेश्चन हैं कि मैं कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, मुझे भी खुद समझ में नहीं आता। हाँ, मैं जब भी इस चैप्टर को उठाता हूँ तो एक या दो टाइप का क्वेश्चन छूट ही जाता है कि जो मैंने ना कराया हूँ, बाद में हो जाता है रिवीजन में। ठीक है, तो बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं इन चैप्टरों में, तो आप लोग जितनी मेहनत करोगे उतने टाइप के क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करा दूँगा। तो जस्ट आस्क मी द क्वेश्चंस। ओके, सो तब तक के लिए हम मिलते हैं फिर। थैंक यू एवरीवन।